हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलराम फोटोग्राफी। दोस्तों, अगर आप एक रेडमी स्मार्टफोन यूजर हो तो ये वाला स्पेशल वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको रेडमी, शाओमी और एमआई स्मार्टफोन्स के बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में फोटो और वीडियो कैप्चर कर पाओ। अगर आपको कैमरा या फिर कैमरा सेटिंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, देन मे बी हो सकता है आप अपने स्मार्टफोन की कैमरा सेटिंग्स को गलत तरीके से सेटअप करके रखे हो, जिसके वजह से आपकी फोटो एंड वीडियो की जो क्वालिटी है वो आपको खराब मिल रहा है। तो इस वीडियो को देखते हुए आप अपने स्मार्टफोन की कैमरा सेटिंग्स को सही तरीके से सेटअप कर लो, ताकि आपको अपने स्मार्टफोन से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में फोटो और वीडियो मिल पाए। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन का। अगर आपके पास कोई दूसरा स्मार्टफोन है, कोई दूसरा मॉडल है, देन मे भी हो सकता है आपके कैमरे के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स हो या फिर कुछ कम सेटिंग्स हो। तो जो भी सारी सेटिंग्स मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं, आप उन्हीं सेटिंग्स को चेंज करिए। इससे आपका जो कैमरा है एकदम प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको AI करके एक बटन दिखाई देगा, जो कि अगर आपका ऑन है तो उसको आप ऑफ कर दीजिए। AI क्या करता है कि आपके सामने जो सीन है उसको डिटेक्ट करती हुए जब आप फोटो कैप्चर करते हो तो आपके फोटो के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी ग्रासेस या फिर स्काई का फोटो कैप्चर कर रहे हो, तो AI उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये स्काई है, और उसके बाद आपके फोटो के ऊपर स्काई के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कर देता है, जिसके वजह से आपका जो फोटो है वो नेचुरल नहीं रहता है। और एक अच्छा फोटो उसे ही कहा जाता है जो कि नेचुरल दिखता है। तो फोटो कैप्चर करते वक्त आप AI को ऑफ कर दीजिए। AI का कोई भी काम नहीं है, ये आपके अच्छे खासे फोटो को बिगाड़ देता है। उसके साथ ही यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रो कलर का, जो कि बेसिकली आपके फोटोज के जो कलर है उसको बूस्ट कर देता है। प्रो कलर को ऑन करते हुए जो फोटोज आप कैप्चर करेंगे उसमें जो कलर्स है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है, यानी कि काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि नेचुरल फोटोज नहीं होते हैं। इन केस अगर आप उन फोटोज के कलर्स को कम करना चाहो तो एडिटर में आप कम कर पाओगे, बट आपका जो फोटो है वो बहुत ज्यादा अननेचुरल दिखेगा। बट अगर आप नेचुरल फोटो कैप्चर कर लेते हो तो कोई भी फोटो एडिटर को यूज करते हुए आप उसके कलर्स को इजीली बूस्ट कर सकते हो। तो स्टेप नंबर वन, आप AI के साथ साथ प्रो कलर्स को ऑफ कर दीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो ग्रिड लाइंस का ऑप्शन मिलता है उसको आप ऑन कर दीजिएगा। ग्रिड लाइंस आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपके फोटोग्राफिक कंपोजिशन को बेहतर करने में, और किसी भी फोटोग्राफी का सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसका कंपोजिशन। उसमें चाहे जैसा भी लाइट हो, जैसा भी कलर्स हो, अगर उसका कंपोजिशन सही नहीं होगा तो उसको एक फोटोग्राफी माना नहीं जाएगा। आपने एक चीज तो कभी ना कभी जरूर नोटिस करे होंगे, आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, कोई लैंडस्केप फोटो कैप्चर करते हो और आप देखते हो फोटो में जो पीछे की तरफ होराइजन लाइन है वो सीधा नहीं रहता है, क्योंकि नॉर्मली आंखों से देखकर हम होराइजन लाइन को सीधा नहीं रख पाते हैं। तो तब आपका काम आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस को ऑन करके आप ग्रिड लाइंस को देखकर इजीली अपने फोटो में जो होराइजन लाइन है उसको सीधा रख पाओगे। उसके अलावा भी ग्रिड लाइंस को देखते हुए आप रूल्स ऑफ थर्ड को मेंटेन रखते हुए अपने फोटोग्राफी कंपोजिशन को बेहतर कर पाओगे। फोटोग्राफी कंपोजिशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो हमारा देखना चाहते हो तो लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। स्टेप नंबर टू, एस्पेक्ट रेशियो। एंड आई एम श्योर ये गलती आप में से बहुत सारे लोगों ने करके रखी है। आपके फोन के अंदर जो फोटो का फ्रेम है उसको आपने 9:16 या फिर फुल स्क्रीन में सेट करके रखी है। आज के दिन में फोन्स में HDR, AMOLED, बेजलर्स डिस्प्ले आने लगे हैं, जिसके वजह से फुल स्क्रीन में फोटोशूट करने में काफी बढ़िया दिखता है। बट फुल स्क्रीन में फोटोशूट करने से आपकी फोटो की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है, लगभग 50% से भी ज्यादा डाउन हो जाता है। कोई भी स्मार्टफोन 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो में आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का फोटो निकाल के दे सकता है, बट वही अगर आप फ्रेम को 9:16 या फिर फुल स्क्रीन में सेट करते हो तो आपका फोन वही 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो का जो फोटो है उसको क्रॉप करके आपको फुल स्क्रीन में प्रीव्यू देता है, जिसके वजह से आपके फोटो का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाता है। तो अपने स्मार्टफोन से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में फोटो कैप्चर करने के लिए आप एस्पेक्ट रेशियो को 4:3 में सेट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको फुल स्क्रीन फोटो चाहिए तो उसको आप एडिट में क्रॉप करके फुल स्क्रीन कर लीजिए। स्टेप नंबर थ्री, आपको कुछ ऑप्शन इनेबल करने हैं कैमरे की सेटिंग्स के अंदर। तो उसके लिए आप अपने कैमरे की सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले चले जाइए और यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा करेक्ट डिस्टॉर्शन इन अल्ट्रा वाइड शॉट्स, और दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा करेक्ट फेस डिस्टॉर्शन ऑन ग्रुप फोटो। सो यहां पर बेसिकली होगा क्या कि जो ग्रुप फोटोज आप कैप्चर करेंगे या फिर जो वाइड एंगल लेंस से आप फोटोज कैप्चर करेंगे उसमें फोटो के जो कॉर्नर का एरिया है या फिर जो फेस का एरिया है वहां पर डिस्टॉर्शन आ जाता है, यानी कि फोटो अच्छी तरीके से फोकस में नहीं रहता है, कलर्स अच्छी तरीके से फोकस में नहीं रहता है, जिसके वजह से फोटो का जो डिटेल्स है वो खराब हो जाता है। बट अगर आप इन ऑप्शंस को ऑन कर देंगे तो आपका फोन उन फोटोज को प्रोसेस करके उसमें से जो डिस्टॉर्शन है उसको निकाल देगा और आपको एक क्लीन फोटो कैप्चर करके देगा। स्टेप नंबर फोर, ये सेटिंग्स है प्रो शूटर्स के
के लिए जो लोग प्रो मोड को इस्तेमाल करती है फोटोज कैप्चर करती है। आप अपने फोन के प्रो मोड के अंदर आने के बाद देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन है रॉ करके, रॉ यानी कि रॉ में फोटो शूट करने का सपोर्ट, यानी कि जो फोटोज आप कैप्चर करेंगे उसमें आपका फोन किसी भी तरीके का प्रोसेसिंग नहीं करेगा, एक अनप्रोसेस्ड रॉ फोटो आपके फोन के अंदर सेव कर देगा जिसका फाइल साइज काफी बड़ा होगा और उसके अंदर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगा जिसको कि आप फोटोशॉप या फिर लाइटरूम जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर डालकर अपने हिसाब से प्रोफेशनल तरीके से कलर ग्रेड कर पाओगे। ना हो सकता है ये ऑप्शन आपके डिवाइस के अंदर ना हो, पर अगर आपके डिवाइस के अंदर है तो इसका इस्तेमाल करिए कोई स्पेशल फोटोज को कैप्चर करने में। मान लीजिए अगर आप कोई स्पेशल लेंस के फोटो कैप्चर कर रहे हो जिसको आप जिसमें आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, उसको आपको एडिट करके उसको आप प्रिंट करना चाहते हो अच्छी क्वालिटी में, तो तब आप रॉ फोटो का इस्तेमाल कर सकते हो। और रॉ फोटो कैसे शूट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, उसके ऊपर मेरा एक सेपरेट ट्यूटोरियल है, उसको आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक फोकस पिकिंग का, दूसरा है एक्सपोजर वेरिफिकेशन का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। ये आपको काफी टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मान लीजिए अगर अपने फोन को किसी भी ऑड पोजीशन में पकड़ के रखे हो जहां पर आप अपने फोन के डिस्प्ले को प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में अपने एक्सपोजर और फोकस को मॉनिटर करने के लिए आप फोकस और एक्सपोजर पिकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। फोकस पिकिंग को ऑन करने के बाद अगर आप फोकस में कुछ भी चेंजेस करते हो तो आप देखते हो आपके फ्रेम में जिस एरिया में फोकस है उस सब्जेक्ट के एजेस में आपको एक रेड लाइन दिखाई दे रहा होगा, तो इससे आप मॉनिटर कर पाओगे कि आपके फ्रेम में कहां पर फोकस है। आप देख सकते हो आपको रेड एंड व्हाइट स्ट्रैप लाइंस दिखाई दे रहा होगा, इससे आप मॉनिटर कर पाओगे कि आपके फ्रेम में किस एरिया में फोकस है। सेम विद द एक्सपोजर पिकिंग, यहां पर अगर आप एक्सपोजर में कुछ भी चेंजेस करते हो, आईएसओ शटर स्पीड में आप कुछ भी चेंजेस करते हो, तो आप देख पाओगे जो ओवर एक्सपोज्ड एरिया है, जिस एरिया में बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है वहां पर रेड एंड व्हाइट कलर का स्ट्रैप आ रहा है, और जिस एरिया में बहुत कम लाइट आ रहा है वहां पर ब्लू एंड व्हाइट कलर का स्ट्रैप आ रहा है। तो अगर आप अपने फोन के डिस्प्ले को प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो कहां पर फोकस है, तो इस फोकस और एक्सपोजर पिकिंग को इस्तेमाल करते हुए आप अपने फोकस और एक्सपोजर को मॉनिटर कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, ये सेटिंग्स है वीडियो शूटर्स के लिए। अगर आप वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो या फिर सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इन सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहां पर अगर मूवी फ्रेम का ऑप्शन मिलता है अपने डिवाइस के अंदर तो आप मूवी फ्रेम को ऑन कर दीजिए। मूवी फ्रेम को ऑन करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो फ्रेम है वो ऊपर और नीचे की तरफ से थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा, पर आपका जो वीडियो क्लिप है वो 21:9 के सिनेमेटिक वीडियो फ्रेम में कैप्चर होगा। जो सिनेमेटिक वीडियोस आप देखते हो सभी 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर किया जाता है, तो मूवी फ्रेम को ऑन करते हुए आप 21:9 के सिनेमेटिक फ्रेम में अपने वीडियो को शूट कर पाओगे। उसके बाद आप वीडियो सेटिंग्स में जाते हो तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो एनकोडर करके, यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक है H.264, दूसरा है H.265। अगर आप H.264 से अपने वीडियो को कैप्चर करते हो तो आपके वीडियो का जो फाइल साइज है वो बड़ा होता है, उसमें क्वालिटी बेहतर रहता है, बट अगर आप H.265 से अपने वीडियो को कैप्चर करते हो तो उसका फाइल साइज छोटा होता है, साथ ही साथ जो क्वालिटी है वो भी थोड़ा सा कम होता है। तो वीडियो एनकोडर को आप H.264 पर सेट कर दीजिएगा बेस्ट क्वालिटी अचीव करने के लिए। उसके साथ ही यहाँ पर जो इमेज स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन है उसको भी आप ऑन कर दीजिएगा स्टेबिलाइज्ड वीडियो कैप्चर करने के लिए। और वीडियो का जो रिजोल्यूशन है वो आप मैक्सिमम रिजोल्यूशन में अपने वीडियो को शूट करिए, 1080p या फिर 4K जो भी रिजोल्यूशन आपको मिलता है उसमें आप अपने वीडियो को शूट करिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन कैमरा सेटअप अगर हो जाता है रेडी, अभी आप अपने Xiaomi, Redmi या फिर MI स्मार्टफोन से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी में फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए।